भारत ने लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों में 16,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज की, क्योंकि वह संक्रमण बढ़कर 1,10,63,492 तक हो गए। राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भारत और पाकिस्तान द्वारा निरंतर रेखा पर संघर्ष विराम पर सभी समझौतों पर सख्ती से पालन करने के फैसले से प्रोत्साहित किया गया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शुक्रवार को कश्मीर के 10वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम घोषित किए। बांदीपुरा के सुधेर कोट पियोन इलाके में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने शुक्रवार श्रीनगर में अस्पताल में दम तोड़ दिया। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट फोर्स की एक ग्रे लिस्ट में बनाए रखा गया, जिसने आर्थिकी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के अपने प्रयासों की जांच की।